अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमजेद। आप देख रही हैं टेक्टो अमजेद। आज की इस वीडियो के अंदर आप दोस्तों के साथ एक और न्यू वीडियो लेके आया हूं प्रॉब्लम फेस के रिलेटेड। जैसे कि आप दोस्त जानते हैं कि गूगल एडसेंस से जब भी हम अप्रूवल के लिए जाते हैं तो कोई ना कोई न्यू प्रॉब्लम हमें खड़ी कर देता है। कहता है कि कभी आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो कभी कहता है कि प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ जा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ों के रिलेटेड मैं ऐसे ऐसे वीडियो बना रहा हूँ, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप उसको वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप दोस्त हर एक का स्टेप का फॉलो कर के और आप इजी तरीके से अप्रूवल ले सकें। लेकिन आप दोस्तों को यहां पर मैं कुछ चीज दिखाना चाहता हूं। पहले भी मैंने आप दोस्तों को ऑलरेडी दो वीडियो अपलोड करके दिखाई हैं कि वो प्रॉब्लम आई थी उसको हमने हल करने के बाद हमें अप्रूवल मिल चुकी है, तो उसके रिलेटेड भी आप दोस्तों को यहां से मैं वेबसाइट भी दिखा देता हूं। अगर हम यहां पर टेक टू अमजद सर्च करते हैं तो उसके रिलेटेड मैं आप दोस्तों को दिखा देता हूं कि टेक टू अमजद की हमने ऑलरेडी अप्रूवल ले चुके हैं, जिसके कुछ फेस वगैरह कुछ प्रॉब्लम आई थी तो उस पर वो प्रॉब्लम हमने सेट कर ली। तो यहां से देख सकते हैं कि हमारे पास ये आ चुका है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि गूगल एडसेंस के हमारे पास ऑलरेडी ऐड वगैरह भी यहाँ पर लगे हुए हैं। तो इसको हमने कैसे किस तरह से सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये एडसेंस की अप्रूवल मिली है और एक न्यू अकाउंट पर ये प्रॉब्लम फेस हुई है। तो काफ़ी दोस्तों की ये मतलब कि मेहनत होती है, मेहनत को ज़ाया तो हम नहीं कर सकते, इसलिए मैंने सोचा कि आप दोस्तों तक ये वीडियो भी शेयर कर दूँ ताकि अगर आपके पास यही प्रॉब्लम मतलब कि इशू आ रही हैं, यही चीज़ें हैं, मतलब कि आपके पास कोई सॉल्व नहीं हो रही तो इस वीडियो को देख के आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स गो, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप दोस्त नहीं है तो चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में जो बेल आइकन होती है उसको भी आपने लाजमी प्रेस करना है और साथ में जो ऑल पर ऑप्शन होता है इसको लाजमी प्रेस करना है। इसका ये फायदा होता है कि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन अब दोस्तों तक भाइयों तक आ जाएगी। तो यहाँ पर प्रॉब्लम फेस के रिलेटेड अब दोस्तों को मैं कुछ बातें बता देता हूँ। तो यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास चार प्रॉब्लम आ रही है हमारी वेबसाइट के अंदर। कौन सी वेबसाइट है वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर कर दूंगा जब अप्रूवल मिल जाएगी, क्योंकि अभी आप दोस्तों के साथ वो भी शेयर करूंगा, तमाम चीज़ें बताऊंगा ताकि आप दोस्त भी अप्रूवल ले सकें गूगल एडसेंस से ईजी और सिंपल तरीके से। सबसे पहले आप दोस्तों से यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बार बार एक ही चीज़ की मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना खुद का कॉन्टैक्ट लिखें, मतलब कि अपने खुद के आर्टिकल लिखें, कहीं से कोई चीज़ कॉपी ना करें। अपने खुद के आर्टिकल जो होते हैं हमारे लिए बहुत फायदेमंद देते हैं, चाहे उसके अंदर आप जितना भी हो सके ज्यादा लंबा करके लिखें, चाहे 500 वर्ड का लिखें, 1000 वर्ड का लिखें, लिखना अपने जरूरी है और अपने खुद के ही अल्फाज लिखने हैं, किसी के कॉपी वगैरह कोई चीज नहीं करनी। और दूसरी बात आप दोस्तों को यहां पर मैं ये बता देता हूं कि डोमेन जो भी लें .com लें या और लें, फ्री वाली डोमेन तो आप कभी यूज़ ना करें, और कोशिश करें कि वर्डप्रेस यूज़ करें या ब्लॉगर यूज़ करें, सेम टू सेम एक ही चीज़ है। ब्लॉगर पर भी हमने अप्रूवल लिया है और वर्डप्रेस पर भी अप्रूवल लिया है। ब्लॉगर के रिलेटेड अगर आपको बता दूँ ब्लॉगर के अंदर ना स्पीड उसकी अच्छी होती है, वर्डप्रेस की हर चीज़ हमें देखनी पड़ती है। और ब्लॉगर के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों को यहाँ पर दे देता हूँ कि ब्लॉगर के अंदर वो सहूलियात नहीं है जो वर्डप्रेस के अंदर हमें मिल जाती है। वर्डप्रेस के अंदर हमें तमाम प्लग मिल जाते हैं जो हम यूज़ करके अपनी तमाम चीज़ों को ईजी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आप दोस्तों को यहां पर बता देता हूं ब्लॉगर के रिलेटेड, क्योंकि ये भी आप दोस्तों के क्वेश्चन होती हैं जो आप दोस्तों को हल करने पड़ती हैं। और अब आप बात आ जाती है यहाँ पर पॉलिसी के रिलेटेड, पॉलिसी टिप्स फॉर द क्रिएटिंग हाई क्वालिटी साइट, हाई क्वालिटी साइट पार्ट 1 पार्ट 2। हमारे पास ये दो ऑप्शन हो रही हैं, वेब मास्टर क्वालिटी गाइडलाइंस और एडसेंस प्रोग्राम पॉलिसी। ये हमारे पास चार इशू आ रही हैं, इसको कैसे किस तरह से सोल्व करना है वो आप दोस्तों को बताता हूँ, क्योंकि मेन टॉपिक हमारा यही है तो इसको सोल्व कर सकें ताकि आप दोस्त भी अप्रूवल ले सकें। सबसे पहले आप दोस्तों को बता देता हूँ प्राइवेसी पॉलिसी टिप्स फॉर द क्रिएट हाई क्वालिटी साइट। हमारी साइट के अंदर कुछ ऐसे आर्टिकल कुछ ऐसी मिस्टेक हो जाती हैं जो हाई क्वालिटी होती हैं जो गूगल एडसेंस की पॉलिसी के खिलाफ जाती हैं, तो उनको कैसे किस तरह से ढूंढना है वो भी आप दोस्तों को बताता हूं। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास यही आ रहा है, और तीसरे नंबर पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है वेब मास्टर क्वालिटी गाइडलाइंस। वेब मास्टर क्वालिटी गाइडलाइंस ये क्या चीज़ है? काफ़ी दोस्त यार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या बला है, हमारे पास कौन सा न्यू ऑप्शन लेके आ गया गूगल एडसेंस जो हमें परेशान ही करता रहता है, यार अप्रूवल क्यों नहीं देता। तो यहाँ पर मैं आप दोस्तों को बता देता हूँ वेब मास्टर क्वालिटी गाइडलाइंस। वेब मास्टर क्वालिटी गाइडलाइंस ये चीज़ होती है, एक वेब मास्टर के अंदर हम इंडेक्स नहीं कर पाते, जो हमारे आर्टिकल होते हैं उनको इंडेक्स करना भी बहुत ज़रूरी होता है, वेब मास्टर के साथ कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे सर्च कंसोल वेब मास्टर एक चीज़ है, सर्च कंसोल के अंदर यार लाजमी मैं अपनी वेबसाइट को इंडेक्स कराएं और उसके जो जितने भी आर्टिकल लिखे हैं वो भी इंडेक्स कराएं और जितने भी पेज हैं वो भी इंडेक्स कराएं।
और यहाँ से मैं अगर आप दोस्तों को बता देता हूँ कि यहाँ पर मैंने जितने भी आर्टिकल लिए तो दूसरी मैं आपको टेक टू अमजद के रिलेटेड दिखा रहा हूँ। इसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम थी जो हमने सॉल्व की, सॉल्व करने के बाद और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ये वेबसाइट अप्रूवल शुदा है और इसके अंदर आपको एड वगैरह ये तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र भी आ रही होंगी। और इस वेबसाइट के अंदर आप दोस्तों को फ्री कीवर्ड सर्च टूल भी मिल जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि बेस्ट फ्री कीवर्ड सर्च टूल अवेलेबल है यहाँ पर। आप यहाँ पर तमाम के तमाम बेस्ट फ्री कीवर्ड सर्च टूल यहाँ पर आप सर्च करके उनको रीड कर सकते हैं और उनके कीवर्ड सर्च टूल यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको नजर आएगा एडवांस कीवर्ड सर्चिंग टूल 5 स्टेप। अब 5 स्टेप यहाँ पर यूज़ करने देखें, पढ़ें और उसके बाद 5 स्टेप यूज़ करने के बाद कीवर्ड सर्चिंग आप बिल्कुल ईजी तरीके से कर सकते हैं। और भी आप दोस्तों को यहाँ पर अनलिमिटेड मिल जाएंगे। बट यहाँ पर आ जाती हैं उसके बाद एडसेंस प्रोग्राम पॉलिसी। एडसेंस प्रोग्राम पॉलिसी के रिलेटेड हमारी कुछ मिस्टेक होती हैं। अब सोच रहे होंगे कि यार यही तो बात आप पहले भी बता चुके हैं कि मिस्टेक होती हैं। जी हाँ, मिस्टेक होती हैं एडसेंस पॉलिसी के खिलाफ, जो एडसेंस कहता है कि आपकी ये चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। नंबर वन वो कहता है कि कोड के रिलेटेड, अगर यही आर्टिकल मैं आप दोस्तों को यहाँ से मैं अगर दिखा दूँ, यही आर्टिकल मैंने इसके अंदर भी पेस्ट कर दिया है, क्योंकि उसको मैं यहाँ पर लाजमी आप दोस्तों को बताता रहता हूँ। एडसेंस अप्रूवल टिप्स एंड ट्रिक के रिलेटेड, तो यहाँ पर एडसेंस के रिलेटेड वो कहता है, सबसे पहले वो यही कहता है कि कोड सही ढंग से आप पेस्ट करें, कोड को आप सही तरीके पेस्ट करें। ब्लॉगर के अंदर हेडर के अंदर पेस्ट होता है और एडसेंस के अंदर हम जो है ना थीम के अंदर भी पेस्ट कर देते हैं और इसके प्लग वगैरह भी होते हैं एडसेंस के अंदर जो, सॉरी वर्डप्रेस के अंदर, वर्डप्रेस के अंदर जो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, मैंने प्लग यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ तो वो प्लग मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। और उसके बाद वो कहता है रिस्ट्राइक, मतलब कि आपकी साइट को कुछ ना कुछ सर्चिंग होनी चाहिए गूगल के अंदर, कहीं ना कहीं से सर्च इसको मिलना चाहिए ताकि आवाम तक ये थोड़ी बहुत ही तो पहुंच जाए, फिर वो अप्रूवल दे देते हैं। रिसर्च साइट, रिसर्चेबल साइट यही चीज़ होती है कि मतलब थोड़ी बहुत रिसर्चेबल तो होनी चाहिए आपकी साइट, वरना इतना मज़ा नहीं करता यूट्यूब एडसेंस। उसके बाद आता है पॉलिसी कंप्लेंट। यार हमें ये कन्फ्यूज़ और कर दिया, पॉलिसी कंप्लेंट ये क्या चीज़ है, कौन सी मुसीबत हमारे पास आ जाती है। तो यार पॉलिसी कंप्लेंट यही चीज़ है गूगल एडसेंस जो कहता है कि मेरी पॉलिसी के खिलाफ मत जाओ, आप हमारी पॉलिसी के खिलाफ जाओगे तो मैं आपको अप्रूवल नहीं मिलेगी। अब उसी की पॉलिसी के खिलाफ ना जाए ना, तो यहाँ पर तमाम की तमाम यहाँ पर आपको चीज़ें मिल चुकी हैं। तो यहाँ पर रीसाइट मतलब कि आपकी किस तरह से ये चीज़ें होनी चाहिए वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आ जाते पॉलिसी कंप्लेंट, यहाँ पर ये तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। दिस बेस्ट मतलब तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। उसके बाद एडसेंस अप्रूवल आपको मिल जाएगी ईजी और सिंपल तरीके से। बट आप दोस्तों को मैं दोबारा यही कहना चाहूँगा कि इन सारों चीज़ों को अपने लाजमी गौर से देख लिया करें। कभी भी एनीथिंग, कभी भी किसी भी साइट के रिलेटेड अब आप दोस्तों को प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। एनीथिंग, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ हो पूछ सकते हैं। फेसबुक पर भी मुझसे आके पूछ सकते हैं। तो तमाम चीज़ें सॉल्व करके इंशाल्लाह मैं आप दोस्तों को दूंगा ताकि आप दोस्त भी वहाँ से अप्रूवल ले सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।